यूपी 9 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का सिंह द्वार बनकर तैयार हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सिंह द्वार की तस्वीर भी जारी की है। इससे पहले श्री राम स्तंभ की तस्वीर भी सामने आई थी। आपको बता दें कि जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है, इसके लिए राम मंदिर निर्माण में तेजी लाई गई है। मंदिर में फर्श को तैयार करने का काम भी चल रहा है और मंदिर के ग्राउंड फ्लोर को तैयार करने के लिए कामगारों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। राम मंदिर निर्माण में 3000 मजदूर काम कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर आप देखिए, सिंह द्वार जो कि बनकर तैयार हुआ है, आज ही इसकी तस्वीर शेयर की गई। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं श्री राम स्तंभ की, जो कि हाल ही में ये भी तस्वीरें शेयर की गई थी। अब 2024 में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है और साथ ही जो कामगार हैं उनकी भी संख्या यहां पर बढ़ा दी गई है ताकि जल्द से जल्द मंदिर बनकर तैयार हो। एशियन गेम्स 2023 में भारत को दूसरा मेडल मिला है। रोइंग में पुरुषों के लाइटवेट डबल स्कर्स में अर्जुन राम जाट और साथी अरविंद सिंह ने रजत पदक हासिल किया। इससे पहले 19वें एशियन गेम्स में पहला मेडल निशानेबाजी में मिला था। मेहुली घोष, आशी चौकसे और रमिता ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में भारत को यह मेडल दिलाया है। और हांगझोऊ एशियन गेम्स में भारत की ओर से कुल 655 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। It is a very proud moment for us that it is the first medal for Asian Games, and yeah, we are really happy for the medal, and yeah, really happy. This is your first Asian Games, and getting a medal in your very first Asian Games, a silver medal. What do you have to say about that? What I have to say about that? That we were like very, very prepared for it, and we were confident that we will get a medal. So yeah, I'm really happy for the medal, and this is my first medal for the air rifle. So I'm just really happy for it. A score of 1886.0. Happy with the total score, or it could have been better? Though anyways, it can always get better. It can always get better, but like what matters is that we got a medal and we are like just happy for it. झांसी में पुलिस टीम पर हमला करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। गंभीर हालत में बदमाश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बदमाश ने एक सिपाही पर जानलेवा हमला किया था और हमले में सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन कुछ ही घंटे में पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया। आज थाना एरा क्षेत्र में एक पुराना 15,000 का इनामिया प्रमोद कुमार, जिसके खिलाफ कोर्ट से भी NBW जारी हुआ है और ये सातिर किस्म का लुटेरा है और पुलिस के ऊपर या अन्य 307 जैसे संगीन धाराओं में इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत है। इसके खिलाफ लगभग 10 मुकदमे पंजीकृत हैं और आज इसको पकड़ने के लिए पुलिस जब गई थी तो इसने हमला किया, जिससे पुलिस द्वारा भी आत्म सुरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिससे ये घायल हो गया और इसको इलाज के लिए भेज दिया गया। मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बीती रात कोसी कला में पुलिस और लुटेरों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से 25,000 का लुटेरा घायल हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लुटेरे के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद की गई। कई दिनों से लुटेरा फरार था, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। लखीमपुर खीरी में गैस सिलेंडर फटने से 6 घरों में भीषण आग लग गई और निघासन तहसील क्षेत्र में खाना बनाते समय अचानक से गैस सिलेंडर से आग लगने लगी और आग लगने से गैस सिलेंडर फट गया। भीषण आग में आसपास की करीब आधा दर्जन झोपड़ी और उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे सीएम योगी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पहुंचेंगे। यहां पर सीएम मोटो जीपी के सीईओ समेत टीम से मुलाकात करेंगे। करीब 12:30 बजे मीडिया ब्रीफिंग होगी। यहां के बाद में सीएम योगी सर्किट हाउस में अथॉरिटी के अफसरों के साथ में बैठक करेंगे और दोपहर 4:45 बजे से शाम 5 बजे तक मुख्यमंत्री बीआईसी में मोटो जीपी रेस देखेंगे और विजेता को ट्रॉफी देकर सम्मानित करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के लखनऊ दौरे का आज तीसरा दिन है। आज आपको बता दें कि भागवत संघ और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। मोहन भागवत 25 सितंबर तक लखनऊ में रहेंगे और भागवत अवध में संघ के विस्तार, राष्ट्रवाद के मुद्दे को धार देने और साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर मंथन भी करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं के साथ में लगातार मीटिंग कर रहे हैं और अगले साल में राम मंदिर का उद्घाटन है, साथ ही लोकसभा का चुनाव भी है। ऐसे में संघ प्रमुख की यूपी यात्रा राजनीतिक लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अमरोहा के दौरे पर जाएंगे, जहां पर डिप्टी सीएम बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ में बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी होगी। डिप्टी सीएम यहां पर निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे मन की बात के जरिए देशवासियों से संवाद करेंगे। बीजेपी नेता अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम को सुनेंगे। मेरठ में अखिल भारतीय जाट महासभा का प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है। इसमें जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया जा सकता है। इसमें पूर्व राज्यपाल डॉक्टर सत्यपाल सिंह मलिक, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत समेत कई नेताओं के आने की संभावना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा है कि उन्हें पूरा यकीन था कि अयोध्या में राम मंदिर जरूर बनेगा। अब काशी और मथुरा के मुद्दे पर समाधान भी निकालना पड़ेगा, तब हमेशा के लिए शांति बनी रहेगी। एक सवाल बड़ा दिल की गहराई से है, अब जनवरी के महीने में रामलला के मंदिर, भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा, प्रधानमंत्री जाएंगे उसका इनॉग्रेशन करेंगे। जब ये राम मंदिर बन रहा है और जब बन के तैयार होगा तो आप कैसा महसूस करें? मुझे ये तो है कि आप अच्छा महसूस करेंगी, लेकिन कहना क्या चाहेंगी, क्योंकि आपने उस आंदोलन में बड़ा भाग लिया। आपको एक बात बता दूं जी, जिस दिन बाबरी ढांचा गिरा, मैं उसको मस्जिद नहीं कहूंगी क्योंकि वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, जिस दिन वो ढांचा गिरा उस दिन के बाद किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि वो वहां दोबारा मस्जिद बना पाता। वहां मंदिर ही बनना था और कुछ नहीं बना। वो मुझे तो उसी दिन से पता था कि मंदिर ही बनेगा। भाई ये कि रामलला कुछ दिनों टपरा में बैठे रहेंगे, तो मोदी जी ने हिम्मत दिखा दी, रामलला टपरे से बाहर आ गए, अब हमें मंदिर बन गया। अच्छा, आपको यकीन था कि मंदिर बन जाएगा ये? हाँ, शुरू से यकीन था। काशी विश्वनाथ मथुरा पर जो विवाद चल रहा है, अयोध्या मथुरा काशी तीनों का समाधान निकालना पड़ेगा। मैं 91 में पार्लियामेंट के अंदर बोल चुकी हूँ, जब पूजा स्थली विधेयक आया तो पार्टी ने मुझे ही वक्ता बनाया था। संयोग से देखिए, ये महिला आरक्षण पर भी मैं ही पार्टी की वक्ता थी पहली, और इसमें भी मैं ही पहली थी। तब भी मैंने यही कहा था कि आप तीन को बाहर निकाल दो, अयोध्या को, मथुरा को और काशी को, तो हमेशा के लिए शांति बनी रहेगी। ऐतिहासिक लम्हों अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक से जा रहे सफाई कर्मी को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। घटना रहरा थाना इलाके की है, जहां पर सफाई कर्मी गौशाला ड्यूटी करने जा रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में सफाई कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप को कब्जे में ले लिया। Thank you.